चल चट से शट खुल जाए फ्री निकल जा जल्दी याद निकल चट से शट शट फ्री दर्द नॉर्मल थी कि बहुत ज्यादा मतलब काफी भयानक दर्द अभी हद से भी ज्यादा बर्दाश्त के भी बाहर पांच मिनट भी हम खड़े नहीं रह सकते। जब हम बैठ जाते थे तब ठीक रहती थी, जब जैसे ही उठे इस बहन का नाम सुखविंदर कौर है और श्री मोतल गांव के रहने वाले हैं और जब बता रही है कि 6 महीने हो गए थे इनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होती थी जिसके कारण जब बता रही कि जो बहुत ही प्रॉब्लम में थे जो 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते थे दर्द के कारण जब बता रही कि जब भी इनको चलने फिरने में भी बहुत प्रॉब्लम थी जब भी जो चलते तो उस समय भी बहुत दर्द होती थी जो बहुत ज़्यादा चल नहीं सकते थे और जो बहुत परेशान थे और जो 6 महीने से मेडिसिन खा रहे थे जो बता रहे कि जब तक जो मेडिसिन खाते थे इनको फ़र्क रहता पर फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। मेडिसिन खाकर जो कुछ काम कर लेते थे घर का पर जब जो मेडिसिन नहीं खाते तो जो रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाती थी तो जो बहुत ही प्रॉब्लम में थे जो बता रहे कि जब जो बैठे रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी पर खड़े होते इनको दर्द शुरू हो जाती थी जो 5 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते थे और जो बता रहे कि इसके लिए जो विश्वास कर रहे थे प्रार्थना कर रहे थे और जो बता रहे जैसे जो सिस्टर ईस्टर की मीटिंग में आए और जो उस दिन सबके लिए ले हैंड हुई थी और जो बता रहे कि इनके लिए जब ले हैंड हुई और पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। In the name of Jesus, chal shaitan iski body se iske girane se out, 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 shut, chal, chat se, shut, free, free, nikal ja, dead, jaldi aap nikal, chat se, shut, shut, free. और जब उस दिन सबके लिए ले हैंड हो रहे थे और कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे परमेश्वर को दास को तो उसी समय परमेश्वर ने अपने दास को अगुवाई की कि किसी को भी अपनी प्रॉब्लम बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वो परमेश्वर सब जानते हैं। तो जैसे ही जे बता रही कि परमेश्वर के दास का हाथ इनके सिर पर आया तो जे बता रही उस दिन से जे बता रही कि जो बहुत ज़्यादा दर्द थी इनकी रीढ़ की हड्डी में इनको फर्क पड़ना शुरू हो गया और जे धन्यवाद देते रहे जे प्रार्थना करते रहे इनकी बेटी भी इनके साथ प्रार्थना करती थी और जो बता रहे कि लगातार चेक करते रहे और आज उस दिन से ही परमेश्वर इनको आज़ाद कर दिया है। अभी जो चल फिर सकते हैं ज़्यादा समय जो 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते थे अभी जो खड़े भी होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई मेडिसिन नहीं उस दिन से इन्होंने कोई भी मेडिसिन नहीं खाई जो 6 महीने से मेडिसिन खा रहे थे अभी जो बिल्कुल फ्री है। हम सब अपने हाथों को उठाएंगे जो परमेश्वर ने इनको 6 महीने की प्रॉब्लम से आजाद किया जो बहुत ज्यादा इनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहती थी और परमेश्वर के दास का हाथ जब इनके सिर पर आया तो सच में परमेश्वर जानते थे इन्होंने बताया नहीं पर फिर भी वो परमेश्वर जानते थे कि इनकी जो प्रॉब्लम है वो एक नेगेटिविटी प्रभाव के कारण थी और आज परमेश्वर ने इनको इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से आजाद कर दिया है। हम सब तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाते रहेंगे और तारीफ करेंगे। हालेलुया। माइक दो इन्हें भी जेम्स जी जेम्स की। ये दर्द नॉर्मल थी कि बहुत ज्यादा होती थी? नहीं पापा जी बहुत ज्यादा मतलब काफी भयानक दर्द थी। हाँ जी आपकी हद से भी ज्यादा बर्दाश्त के बाहर थी। हाँ जी 5 मिनट नहीं खलोता जाता 5 मिनट भी अब खड़े नहीं रह सकते मंजे पे बस बैठ ही रहना। जब अब बैठ जाते तो तब ठीक रहती थी जब जैसे ही उठे फिर दर्द शुरू हो जाता। ये सुनो एक चीज ये शैतान के प्लान प्लान देखो शैतान के बोलो ये शैतान के प्लान देखो। अब बंदा कैसी कैसी है मतलब एक तो दर्द होती है कि लेटे हुए तब भी दर्द है उठे शैतान का प्लान देखो कि जब उठते 5 मिनट भी चलने फिरने में भी दिक्कत दर्द जब उठते थे चलते थे तो भी दर्द होती मतलब बहुत ज्यादा होती बहुत ज्यादा और आप 6 महीने से
ਬਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੰਜੇ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਘਰ ਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ ਘਰ ਹੀ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ और अब 6 महीने से मेडिसिन खा रहे थे इस चीज की आराम नहीं आ रहा था नहीं। जब उठते थे तो आप मतलब आप जब मंजी से उठते थे तो जब उठते तो बहुत ज्यादा दर्द होने पूरी तरह बड़ा बुरा हाल हो जाता था बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। ये देखो शैतान के काम क्योंकि 6 महीने से चारपाई पे हैं अगर और रखेंगे तो और क्योंकि बैठे बैठे अगर हम थोड़ा चलेंगे फिरेंगे नहीं तो और शरीर में बीमारियां आ जाएगी एक बीमारी के साथ और कई बीमारियां आएंगी। धन्यवाद है उस खुदा का जिसने आपको बुलाया है जो अपनी सामर्थ से आपको छूता है और आपको चंगा करता है। क्या करता है? चंगा करता है। और जिस दिन ये आपके ऊपर ईस्टर की मीटिंग ले हैंड हुई कितने दिन के बाद आप चंगे हो गए? दो दिन के बाद आप फिर हाँ बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल फिर आपने अच्छे से चेक किया चल हाँ फिर के हाँ जी पूरा कितने कितनी कितनी लंबा चल कर देखा आपने? घर से या स्कूल तक आई चल के कोई सांस नहीं लिया कोई सांस नहीं लिया कितना कितनी दूर होगा स्कूल? कम से कम 50-100 फुट 200 फुट नहीं 50 के ज्यादा है। सरकारी स्कूल कहाँ है पे? कितना इनके घर से? 50 नहीं मेरे हिसाब से तो जहाँ पे ज्यादा होगा। हाँ ये वाला सरकारी स्कूल ना ये तो पास है तो ये तो कम से कम आपके घर से कम ज्यादा नहीं तो 250-300 फुट करीब होगा 250। हाँ अब जलकर भी गए और वापस भी गए कोई दर्द नहीं हुई कोई प्रॉब्लम नहीं है उस दिन से आप भले चंगे हो कोई मेडिसिन नहीं खा रहे अपने परमेश्वर ने फ्री कर दिया। ओ हाथ रखिया यहोवा मेरे सिर ते मैं दुखा तो आजाद हो गई हाथ रखिया यहोवा मेरे सिर ते मैं दुखा तो आजाद हो गई।